रिजल्ट सर फेल हो गया सर। हाँ फेल हो गया सर, ऐसा हो नहीं सकता, सही में हो गया सर, क्या करो फिर। किस भी सब्जेक्ट में? हिंदी और मैथ। हिंदी और मैथ में? हाँ हिंदी भी कमजोर रही है, पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ। आज आने वाला रिजल्ट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो, बट अभी आ रहा रिजल्ट, आई एम टू नर्वस एंड मेरे को नहीं मालूम रिजल्ट क्या होगा। मैं 4 महीना डिप्रेसिंग के थे मेरे, उसमें मैंने 9-9 कोचिंगें पढ़ी, अब मैं जानता हूँ 9 कोचिंगें एंड रिजल्ट आने में बचे अभी 3 मिनट, तो आप एक बार देख के आओ। मुझे प्रवेश पत्र मिल गया है एंड ऑलमोस्ट 3 दिन और 60 घंटे की 7 घंटे की मेहनत के बाद मिला है। देखते क्या चीज़ें होती है, कल पेपर है, 24 घंटे बचे एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो नर्वस, व्हाट कैन आई से, आई डोंट नो, बट मज़ा आने वाला। एक घंटा बचा है, आई एम सो नर्वस, 1 घंटा। रामजान ने अपनी घड़ी दी है मुझे एंड पढ़ना है, थोड़ा रिविजन कर लूँ, और बहुत नर्वस हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत उल्टा सीधा लग रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, बट मज़ा आ जरूर, मज़ा नहीं आएगा फेल नहीं, ट�प कर 100% प्लस चाहिए, 95 से प्लस चाहिए, समझ लो 95, और इंडिया स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 1 घंटे बाद पेपर है मेरा, आई एम टू नर्वस, टू डिप्रेस, चीज़ें बहुत गलत हो रही है, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है हिंदी में, बहुत राइटिंग मिस्टेक हो रही है, आडल हो रहे एंड बहुत पैनिक हूँ मैं, बहुत डरा हूँ लाइफ में, बहुत डर लग रहा है इसमें। बस आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पेपर हॉल में बैठा हूँ मैं, और ये क्या अभी पेपर देख के आ रहा हूँ एंड पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ है बट सभी का अच्छा नहीं, एंड मेरा भी नहीं ज़्यादा अच्छा हुआ। आई अटेंड एवरी क्वेश्चन एंड देखता है, बट तब आप आपकी अगर आपको फॉर्मूला मालूम है पर उसको पेपर के टाइम बैठ के अप्लाई करते हो ना, तो दिमाग खराब होता है, क्योंकि 5-360 घुमा देता है फॉर्मूला, मतलब उन्हें उतना याद होता है ना, उसका अलग चीज़ हो जाती है पेपर में, पेपर एग्जाम हॉल में बैठ के। आई नो डैट बट प्रैक्टिस थोड़ी और कर लेता है। इतनी नर्वसनेस मुझे नहीं हो रही है एंड सामने वेबसाइट है एंड सामने भूमिका दीदी भी है, अच्छा रिजल्ट, मैं क्या बोलूँ, बस अभी टाइप करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट है। मैं कुछ एक्चुअली आई प्लान दैट कि मैं सर के साथ रिजल्ट देखूंगा, समय सर के साथ पिछले अच्छा मैं वापस से 9-9 कोचिंगें नहीं पढ़ना चाहता, चलो सबमिट, कुछ आर्डर आ गया क्या, कैन अटेंड हम लोग एंड ये वी गो। अरे यार आई एम टू नर्वस, तो भूमिका दीदी देख रही है रिजल्ट, एरर आ रहा है, मैं इतनी गाइस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद मैं एक्सपोज हो। हे गाइस, एक्चुअली वेबसाइट क्रैश हो गई थी, मैंने तब चेक किया था, तब चेक क्रैश हो गई थी वेबसाइट, तो अब मैं देख रहा हूँ अपने फ़ोन में आफ्टर 2 आवर्स एंड आई एम सो नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि स्कूल में, उस स्कूल में पढ़ा था, वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, एक चीज़ से अच्छा भी था बट एक तरफ से ख़राब भी था, तो मुझे नहीं मालूम कि स्कूल वालों ने नंबर दिए नहीं दिए, मैं कभी टीचर से एक्चुअली मिला नहीं, क्योंकि टीचर कभी पढ़ाने आते नहीं थे एंड आई एम थैंक यू फॉर माई होल टीचर्स, समय सर, दादा एंड लाइक
राम जी आपके फ्रेंड है सर, वो भी दादा, वो थैंक यू फॉर दैट एंड एवरी टीचर अरुण सर एंड थैंक यू अश्रेया, थैंक यू अभिषेक, दिस इज लाइक टू क्लासमेट्स, लाइक कोचिंग के क्लासमेट, तुम दोनों की वजह से मैं बहुत जला हूँ एंड उसकी वजह से बहुत ग्रो भी हुआ हूँ ऑन साइंस एंड आई एम टू नर्वस दिस टाइम टू ओपन दैट एंड देखता हूँ मैं चीज़ें, मेरे को नहीं मालूम, पापा का कॉल आ रहा है, मैं रिजल्ट खोल के देखूंगा उनका कॉल अभी कहाँ है, देख क्या आया रिजल्ट, रिजल्ट खुल चुका है, अब मैं देखने जा रहा हूँ। इंग्लिश भूमिका दीदी पास हो गया मैं। अरे यार पास हो गया, इतनी टेंशन थी, आई मैंने अभी तक ग्रेड नहीं देखे बट पास हो गया, अब कम से कम I don't believe everyone. Thank you for adding values for me. मैं आज thank you बोलने, thank you for my classroom, मैं तुम दोनों की वजह से बहुत जला हूँ. Thank you so much sir. First like उन्होंने मुझ पे like वो ऐसे सर student depend होता है सर पे और उन्होंने वो एक मिनट कॉल आ रहा पापा का. Hello papa. हाँ pass हो गया. Pass हो गया papa. अरे बाबा इतनी मेहनत की कैसे पास नहीं हो गए, अभी रिजल्ट खुल गया पास हो गया, आप कैमरा एक बस पापा आपका आशीर्वाद है वो पास हो गया, बड़ी टेंशन थी मैं आज और नहीं तो क्या राम जी आज चौक के क्या बोलते हैं पास नहीं हुआ पापा राम जी से बात करो पापा कैसा नाम जी पास हो गया मैं रिजल्ट में इधर ऑन कैमरा रिजल्ट चल रहा है आप कैमरा पे मैं आधे घंटे से नर्वस में बैठा अरे एक्साइटमेंट दिखाओ ये कौन सी रिएक्शन वीडियो है राम जी ने पहले स्टार्टिंग राम जी स्टार्टिंग में बोलते थे कि पास नहीं हो पाऊंगा आज मैं पास हो गया हाँ कम से माया तुम्हारे आप भी बात कर चुकी थी चलो ठीक है क्या यार थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम बिलीविंग टुडे थैंक यू माई फादर थैंक यू माई मॉम टू ट्रस्टिंग मी टू सपोर्टिंग मी एक्चुअली उन्होंने सपोर्ट नहीं उम्मीद भी नहीं की थी मेरे से बट आई डिड इट बॉस आई डिड इट मुझे इतनी खुशी हो रही है मुझे खुशी नहीं हो रही एक्चुअली बस रिएक्शन नहीं है बट एज अ वीक पॉइंट दिल पे लगता है कि वापस से एक साल बर्बाद वो मैं सह नहीं सकता था मेरे को नहीं मालूम मेरा क्या नंबर है मैं पास हो गया मिठाई खाओ तुम भी मिठाई खाओ आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स बट थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलो अगली वीडियो में तब तक भी अपनी फैमिली मेम्बर्स का सबकी का ख्याल रखिए टेक केयर हिंदी और मैथ में हिंदी भी कमजोर रही है हिंदी में कितने हिंदी में आए 15 नंबर वेरी सॉरी परेशान नहीं हो ये जिंदगी थोड़ा यार खत्म हो जाएगी शुरुआत इसका ट्राई और करना चाहिए अरे सर मजाक कर रहा हूँ सर पास हो गया फिर मैंने